That's the best. एक जाना सही है भाजी, इन्होंने एक एक जाना पाओ सर। तो वन बाई वन पाओ जी। चलो हम आगे आ गए। टेक इट बैक। यस यस। वांट टू कीप हिम, यू वांट टू कीप हिम हियर, यू माइट लव हिज होम टू मच। मेरे पे चला आप बजने लगे। Ready, up, start!
हाँ कलो कलो आ जाओ हाँ हाँ बड़ा कुछ भाई थोड़ा साइड हो जाओ सारे में कर लो भाई आ जाओ भाई जाओ भाई जाओ जाओ तुम जाओ जाओ आ जाओ भाजी भाजी मोबाइल मैडम मैडम मेरा कैमरा बंद करा भैया कैमरा बंद कर दो भैया कैमरा बंद कर दो चलता रहें तो चलता रहें तेरे प्रभु आ
रहा हूँ मैं तेरे पास, अपना लो मुझे स्वीकारो। जैसे हिरनी पानी को तरसती, वैसे तुझको मैं ढूंढता हूँ। आ जैसे डाली लता से जुड़ती, वैसे तुझ में मैं रहता हूँ। आ रहा हूँ मैं द्वार तेरे प्रभु, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अपना लो मुझे स्वीकारो। प्यार तुझसे करूं, आ गरीबी से मैं जीवन बिताऊं, शुद्धता से प्यार तुझसे करूं, संपूर्ण मन से आज्ञा में मानूं, हर दिन हर पल तेरा बन जाऊं। आ रहा हूं मैं द्वार तेरे प्रभु, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अपना लो मुझे स्वीकारो। जैसे भेड़े चरवाहे पीछे चरते चरते आगे बढ़ती, आ जैसे भेड़े चरवाहे पीछे चरते चरते आगे बढ़ती, वैसे प्रभु मैं तेरे पीछे सब कुछ भूल कर आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं द्वार तेरे प्रभु, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अपना लो मुझे स्वीकारो। नित दिन अपने लिए ढूंढती है, आ जैसे तितली पुष्प पराग को नित दिन अपने लिए ढूंढती है, वैसे
तुझको याद करता हूँ। आ रहा हूँ मैं द्वार तेरे प्रभु, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अपना लो मुझे स्वीकारो। संगत बैठ जानी है। डीकन राजन सहोता दे प्रोगिदाई मखसूसियत दे ले असी इकट्ठे हाँ होन। मखसूसियत दे रस्म शुरू होने तो पहला डीकन राजन सहोता दे बारे फादर अशोक कुल्लू सानू कुछ गल्ला दसनंगे। अति सत्कार योग आर्च बिशप अनिल कुट्टो जी, बिशप दीपक वलेरियन जी, मानजो फादर साहेबान, सिस्टर साहेबान, असे मसीह विच प्यारे भराओ ते भैनो, सारनू जय यीशु मसीह दी। आओ असी डीकन राजन दी प्रोहिताई यात्रा बारे जानिए। डीकन राजन दा जन्म 4 अगस्त 1994 विच धारीवाल दे पिंड नवा पिंड विखे पिता राजकुमार अते माता वीना जी दे घर होया। उन्होंने अपनी मुढ़ली सिख्या नर्सरी तो पंजवीं तक न्यू पब्लिक स्कूल अते छेवीं तो दसवीं तक सरकारी हाई स्कूल पूरेवाल जट्टा तो प्राप्त की। डीकन राजन जी ने अपने मापिया के प्रार्थना पई जीवन तो प्रभावित होकर एक पुरोहित बनने का फैसला किया। इस फैसले को पूरा करने के लिए उन्होंने मापिया ने भी उन्होंने पूरी तरह सहयोग दिता। इस ही उम्मीद नाल डीकन राजन जी ने 2010 विच फतेहगढ़ चूड़िया विखे बुलाहट कैंप विच भाग लिया। इन्होंने 2010 विच विनय गुरुकुल माइनर सैमनरी हरियाणा दिल्ली आर्च डायसिस विखे प्रवेश किया। उस तो बाद इन्हों आध्यात्मिक सिक्ख्या प्राप्त करने लई 2014 विच ख्रिस्तू ज्योति गुरुकुल कोली पटियाला विखे भेजा गया, जिथे इन्होंने एक साल अध्यात्मिक सिक्ख्या प्राप्त की। फिलोसफी की पढ़ाई लई इन्हों सेंट चार्ल्स सैमनरी नागपुर महाराष्ट्र विखे भेजा गया, जिथे इन्होंने 3 साल सिक्ख्या प्राप्त की। उस तो बाद 2018 विच इनानू सेक्रेड हार्ट चर्च कैथीड्रल न्यू दिल्ली विखे रीजेंसी लई भेजा गया। उत्थे एक साल दौरान पैरिश विच बतौर रीजेंट वजो सेवा निभाई।
डीकन राजन थियोलॉजी की पढ़ाई ले 2019 रोम इटली विखे भेजा गया। उत्थे इन्होंने अपनी थियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। इस दे नाल ही इन्होंने उर्बानिया यूनिवर्सिटी तो पास्टर थियोलॉजी विच लाइसेंशियट की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई पूरी करने तो बाद जदों ये डायसिस वापस आ गए तो इत्थे आर्च बिशप अनिल कुट्टो जी ने इन्हों डायगनेट मिनिस्ट्री वास्ते चर्च ऑफ इमैकुलेट कंसैप्शन कन्नई गुड़गांव हरियाणा विखे भेजा। अज असी सारे डीकन राजन संधु की पुरोहिताई मखसूसियत हिस्सा लैन इत्थे इकट्ठे हुए हाँ। अज असी डीकन राजन दे लई प्रार्थना करिए कि प्रभु येसु इस साक्रामेंट द्वारा साढ़े डीकन नू अपनी रूह नाल भर के अपना पुरोहित बनावे। असी इन्हां दे मापियां दे लई भी प्रार्थना करिए जिन्हां ने प्रभु की सेवा लई अपने पुत्र नू भेट चढ़ाया है। आओ असी बड़ी श्रद्धा ते भगति भावना नाल इन्हां पाक रस्मां विच भाग लईए। पाक मास्ते कुर्बानी दे लई सारे संगत खड़ी हो जाती है। पाप ते बेटे ते रूपा ते नाव ते प्रभु येसु मसीह दा फजल पाप खुदा दा प्रे तेरे पाक दिशा तुहाडे नाल होवे तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। प्रिय भराओ ते भैणो सारिआं नूं जय सु दी। आज असी बहुत ही खुश हाँ, आनंद भरिया ये दिहाड़ा है जद असी एकत्रित होए हाँ इस पवित्र हैकल दे विच, इस पवित्र रीति विच भाग लैण दे लई। जद डीकन राजन पुरोहित बनेगा ईश्वर की दया तों तुहाड़ा वरदान है साडे लई जलंधर डायसिस दा और विशेषकर इस पैरिश दा धारीवाल सेंट ट्रीजस कैथलिक चर्च इत्थे ही पैदाइश हुई, इत्थे ही सिक्ख्या प्राप्त करी और इत्तों ही इस कलीसिया ने डीकन राजन नू महाधर्म प्रांत दिल्ली कलीसिया दे लई प्रदान किया। वहाँ कलिया सानू वरदान स्वरूप साडे लई ताकि प्रभु येसु मसीह दा ये पवित्र कार्य वहाँ पर कायम रहे, स्वर्गराज की खुशखबरी वहाँ के लोगों जो साडे रीजन का महागिरजा है वहाँ धर्म प्रांत है वहाँ पहुँच जावे, सबको प्रभु येसु की खुशखबरी मिले, जानकारी मिल जाए और अच्छा पुरोहित बनकर लोगों की देखरेख करे। तो इसलिए आज असी बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हाँ। प्राप्त भैनों प्रभु नू धन्यवाद करते हुए आइए इन्हां पवित्र पिता नू योग ढंग नाल मनाउण लई असी अपने गुनाह नू कबूल करिए। इकबाल करदा हां मैं पूरी कुदरत वाले खुदा के, बेनती कर दी हाँ मैं सारी प्रावात पैड़ा अगे, इकबाल कर दा हाँ मैं इकबाल कर दी हाँ मैं
तन सदा कुवारी मरियम ते संता सारे फरिश्ते आदे अगे सारे रल के दुआ करो मिलके मेरे लिए खुदावंद अगे बेनती कर दी हां मैं सारी संगत अगे इकबाल कर दा हां मैं इकबाल कर दी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाह नूं माफ करके सानू सदी भी जीवन तक पहुंचावे आमीन प्रभु कर मसीहा कर दया हे मसीहा कर रहम साडे उते हे मसीहा कर कृपा हे प्रभु कर दया हे प्रभु कर रहम साडे उते हे प्रभु सर्व उच्चियां विच सर्व उच्चियां विच खुदा दी वडियाई धरती उत्ते नेक नियत लोकां विच शांति गुण गाण तेरा असी कर दे हां तन तन तेनु असी कहंदे आराधना दी असी करदे महिमा तेरी असी गाने बड़ी तेरी शान दे लई शुक्र तेरा असी करदे मसीहा बाप तो उत्पन्न बेटे ए प्रभु खुदा दे बाप दे इकलौते बेटे दुनिया दे पाप चुक ले जांदा तू दया साडे उते कर दे मिनता साड़ियां सुन ले तू
सच्चे हाथ बैठा है दया तू कर गुण साडे ते शांति आमीन। असी प्रार्थना करिए ऐ पूरी कुदरत वाले खुदा बाप तू अपने इकलौते बेटे नू सदी भी महापुरोहित ठहराया है तू अपनी उम्मत की देखभाल ले पुरोहितां नू अपने सेवक मुकरर करदा है तेरे इस दास नू जिन्हां ने तेरे बेटे ने तेरे वरदान वड़न ले पुरोहित चुन लिया है अते बख्श दे कि सब पुरोहित अपनी सेविकाई विच मजबूत रह के तेरी मर्जी नित पूरी करन तेरी मदद अते फजल नाल यह कलीसिया दी सेवा विच सदा ईमानदार रह के अपने मसीह नाल एक होके अपनी पुरोहिताई राही नित तेरी महिमा वधाउन असी ये मंगदे हाँ तेरे बेटे ते साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही तेरे नाल रूपाक सने एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीक पाक कलाम सरवण करन दे लई संगत बैठ जांदी है पुराने अहदनामे दे विचों नबी सामूएल दा बुलावा पहला पाठ दा ऐलान करनगे उम्मीदवार डीकन राजन संधू दी कसिन एस्पिरेंट निशा पहला पाठ सैमुअल दी पहली किताब उसका तीन बाब तीन तो दस अते उन्नी आए उस वेले सैमुअल मंदिर दे विच परमेश्वर दे नाम दे संदूक वाले कमरे विच सुत्ता पिया सी उते दीवा अजे बल रहा सी जदों प्रभु ने सैमुअल नू कह के सद्या सैमुअल 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 तुरंत एली कोल गया अते बोलिया तुसी मैनू सद्या है मैं हाजिर हाँ एली ने उत्तर दिता नहीं मेरे पुत्र जा के सो जा तद प्रभु ने फिर सैमुअल नू सद्या सैमुअल सैमुअल फिर दौड़ के एली कोल गया अते बोलिया तुसी मैनू सद्या है मैं हाजिर हाँ एली ने उत्तर दिता नहीं मेरे पुत्र मैं तेनू नहीं सद्या तू जा के सो जा सैमुअल अजे तक प्रभु नू नहीं जानदा सी क्योंकि उस उत्ते परमेश्वर दा शब्द प्रगट नहीं होया सी तद परमेश्वर ने तीजी वार सैमुअल नू सद्या अते ओ फिर एली कोल जा के बोलिया तुसी मैनू सद्या है मैं हाजिर हाँ इस बार एली समझ गया सी कि ये प्रभु है जो सैमुअल नू सद रहा है इसलिए उन्हें सैमुअल नू कहा वापस बिस्तरे ते जा जेकर ओ इस बार तेनू सदे तो उत्तर देना प्रभु जी कह तेरा दास सुन रहा है सो सैमुअल वापस अपने बिस्तरे ते चला गया सो प्रभु आके उत्ते खलो गया अते पहले दी तरह सैमुअल नू सद्या सैमुअल सैमुअल सो सैमुअल प्रभु दी संगति विच
वादा फुलदा गया, जो कुछ कहिंदा सी सच सिद्धा हुंदा सी। ए प्रभु दी बाणी है। खुदा दिया रहमत देगी, मैं सदा गावांगा। खुदा दिया रहमत देगी, मैं सदा गावांगा। सब कुछ तानू सच आई, मैं बोले आ रहम सदा दी, मैं बोले आ रहम सदा दी, तेरी बधाई रहमता देगी, मैं सदा गावांगा। खुदा दिया रहमता देगी, मैं सदा गावांगा। सब कुछ तानू सच आईदा, सब कुछ तानू सच आईदा, बयान सुना देगी। क्रोसियां दे विश्वास संगत दे लई संत पौलुस दे खत दे विचों अज दा दूजा पाठ ऐलान करनगे डीकन राजन दा जुड़वा भरा साजन संधू।
कलूसिया दे नाम संत पौलुस दा पत्तर उस दा तीन बाब बारह आयत तो लैके सतारह आयत तक। इसलिए परमेश्वर ने चुनिया होया लोकां अर्थात उस दे विश्वासियां अदे प्यारियां वर्गा जीवन गुजारो। तुसी तरसवान दयावान नम्र असील सुभा वाले अदे तीर जवान बनो। एक दूजे की सह लवो। जेकर किसी के विरुद्ध कोई गिला है तो उसनू माफ़ कर देवो। गल की जिस तरह प्रभु ने तुहानू माफ़ किया है उस तरह तुसी भी करो। सब तो उत्तम यह है तुहाडे विच प्यार दा होना जरूरी है, क्योंकि प्यार ही है जो सब चीज़ां दी पूर्ण एकता दा आधार है। मसीह दी शक्ति नूं अपने दिलां विच वास करन दिओ, क्योंकि इसे दे लई तुसी उस दे शरीर दे अंग करके सद्दे गए हो। हर समय धन्नवाद करदे रहो। अपने मना विच मसीह दे वचन नूं वास करन दिओ। एक दूजे नूं पूर्ण ज्ञान नाल सिखाओ अते सलाह देवो। हर समय अपने धन्नवादी मन नाल परमेश्वर दी उस्तत भजना शब्दां अते आत्मिक गीतां द्वारा करदे रहो। गल की जो तुसी कहो जां करो ओ सब कुछ प्रभु यीशु दे नां ते करो अते उस दे राहीं परमेश्वर पिता दा धन्नवाद भी करो। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। संगत खड़ी हो जांदी है। கஞ்சியில் தாயிலான் கரணங்கே மீதுவார் டீக்கன் ராஜன் சந்து. பிரபு துஹாடே நாள் ஹோவே, पाठ पवित्र अंजील संत यूहन्ना दे अनुसार। जिस तरह बाप ने मैनू प्यार किया है उस तरह मैं भी तुहानू प्यार किया है, मेरे प्यार विच बने रहो। जेकर तुसी मेरिया आज्ञावां दा पालना करोगे तो तुसी मेरे प्यार विच बने रहोगे, जिस तरह मैं अपने बाप दियां आज्ञावां दी पालना कीती है अते उस दे प्यार विच
ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਰਸਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਪੀਟਰ ਇਮਾਨੁਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਕਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਮਸੀਹ ਸੰਧੂ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਡਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਪੀਟਰ ਇਮਾਨੁਅਲ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
प्रसन्न करेंगे। इन्हां दे उस्तादां ते संगत दो पुछगिछ करके फादर पीटर इमानुएल सारे संगत दे सामने ये ऐलान करेंगे कि इस उम्मीदवार नू पुरोहिताई लई योग पाया गया है। अति सत्कार योग बिशप साहिब जी, पाक मां कलीसिया अज करदी है कि तुसी इस उम्मीदवार साढ़े प्राण नू बतौर पुरोहित दी सेवा लई मखसूस करो। कि तुसी इस नू योग समझते हो? मसीह संगत तो पुछगिछ करन मगरो अते इन्हां दे उस्तादां दी सिफारिश दे मुताबिक मैं तस्दीक करदा हूँ कि इस नू योग्य समझ गया है। असी प्रभु खुदा अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की मदद उत्ते भरोसा रखते हुए अपने इस परा राजन नू पुरोहित की पदवी ले चुनते हाँ। आओ असी सारे रल के आखो खुदा दा शुक्र होवे। खुदा दा शुक्र होवे। हुण अरि सत्कारयोग बिशप साहब जी उम्मीदवार नू ते सारे संगत नू पुरोहिताई दे महत्व ते कलाम दे बारे प्रचार करनगे। सत्कारयोग बिशप दीपक जी यहाँ पधारे, सारे मोनसिन्योर साहिबान, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, ब्रदर साहिबान और प्यारे भैनों ते भराओं प्रभु यीशु मसीह दे विच, मेरे अजीजों, ये डीकन राजन मसीह संधु जो तुहाड़ा रिश्तेदार अते मित्र है हुण पुरोहित की पदवी ते नियुक्त किते जान वाला है, हुण कुछ पल गौर नाल उस अहुदे वल ध्यान दियो जिस उत्ते यह मुकरर किया जा रहा है। यह सच है कि खुदा ने अपनी सारी मसीही कौम नू प्रभु यीशु मसीह विच शाही पुरोहित के रूप विच बनाया है। यह आप सब बपतीज़मा दे राही हम सारे असी ये मसीही कौम दे अंग बन चुके हैं, पर साढ़े महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुछ चेलियां यानी रसूलां नू खुलेआम कलीसिया विच उस दे नां उत्ते मनुख जाति ते नुमाइंदे वजों पुरोहिताई सेवा करन ले चुनिया है। वो खुदा बाप वल्लों भेजा गया सी अते उसने अपने वल्लों रसूलां नू संसार विच भेजा, उना अते उना दे उत्तराधिकारी बिशपां रही ओ उस्ताद पुरोहित अते आजदी दे अपने कम नू जारी रख रहा है। पुरोहित बिशपी जमात दे सहयोग यानी हम खिदमत हन, वो पुरोहिताई अहुदे विच बिशपा नाल ही गिने जांदे हन अते खुदा दी कौम दी सेवा ले सद्दे जांदे हन। साढ़े इस परा राजन ने संजीदगी नाल सोच विचार करके यह कदम चुकिया है अते यह हुण बजुर्गां दी जमात विच पुरोहिताई सेवा लई मखसूस किया जाता है। यह अपनी धर्म सेवा रही मसीह दी सेवा करेगा जो उस्ताद पुरोहित अते आजड़ी है जिसकी सेवा रही कलीसिया उसका शरीर खुदा दी कौम एक पवित्र हैकल बन जावे। ये बिशपा दी पुरोहिताई दी धर्म सेवा विच हिस्सा लैन ले बुलाया गया है अते प्रभु यीशु मसीह दे नमूने विच खड़िया जावेगा जड़ा मसीह ही अते महापुरोहित है। इस मखसूसियत नाल ये नवे नेम दा सच्चा पुरोहित बन जावेगा ताकि पवित्र एंजील दा प्रचार करन, लोकां दी रखवाली करन अते इस तों वी वध धर्म रीता अदा करन लई सक्रमेंट देवे अते खास करके प्रभु यीशु मसीह दी कुर्बानी यानी पाक मास चढ़ावे। आज दा जो वचन है साडे लई तीनों पाठ हन, सानू कितनी अच्छी तरह जो पेद है
बुलावे दा, क्रिस्ती बुलावे दा और विशेषकर जो पुरोहिता दा बुलावा है इस दे बारे सानू दसदा है। समुएल ने खुदा दी आवाज सुनी और एलिया ने समुएल नू कहा तीजी वार जेकर तुसी ये आवाज सुनेगा तद कहना मैं हाजिर हाँ, तेरा सेवक हूँ, मैं हाजिर हाँ। हे प्रभु बोल, अब तू तेरा दास सुन रहा है। तो ये है बुलावा, खुदा सानू बुलाउंदा है, सदता है सानू और आजाद रखता है, यानी ये कि जबरदस्त खींच लेंदा है, आजादी है। लेकिन जब खुदा बुलाउंदा है तो क्या ना कह सकते हैं? कभी भी नहीं। और पवित्र आत्मा सानू ये शक्ति देंदा है कि जब खुदा सानू बुलाउंदा है, प्रभु सानू बुलाउंदा है, हां कहन दी शक्ति, पीछे ना हटने की शक्ति। चुनौतियां कितनी बड़ियां क्यों ना हो, तो यह है बुलावा दा जो रहस्य है, भेद है, समुएल दे जीवन दे विच वेखते हाँ। इसके बाद हर एक जो नबी आया, हर एक जो उस्ताद हुए, जैसे कि है एरमिया के नबी, नरीमा नबी के जीवन दे विच जब जवान सी, जवानी दे विच प्रभु ने, खुदा ने, यहोवा ने एरमिया को बुलाया। एरमिया दा जवाब सी, मैनू क्यों बुला रहे हो, मैं तो एक जवान हाँ, बोल भी नहीं सकता हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता हाँ, मैनू क्यों बुलाया। और भी है बहुत ही मेरे तो भी होशियार लोग हैं, इन्हानू क्यों नहीं बुलाया। खुदा ने कहा मैंने तैनू ही बुलाया है, मेरा काम कायम रखने दे लई, बरकरार रखने दे लई, और जो बड़े बड़े हैं उन्हां दे सामने जाकर उन्हानू कहने कहन दे लई कि ईश्वर दा वचन की है। और एरमिया असी जानते हाँ कितनी कठिनाइयां दा सामना करने पिया उन्हों, और ईश्वर नू कहंदा सी हे ईश्वर तूने मैनू पकड़ लिया है, मैं पीछे नहीं हट सकता हाँ, भाग नहीं सकता हाँ, मैनू पकड़ लिया है तूने। और खुशी दे नाल अपने आप नू प्रभु के हाथों में सौंप दिता। यह है एरमिया दा जीवन, इशाया दा जीवन, अमोस, इजीकियल, सब जो नबी जिन्हानू खुदा ने चुन लिया। काम कठिन, बहुत ही चुनौतियां भरिया काम, लेकिन शक्ति रूपाक दी शक्ति, बल हमेशा, खुशी और आनंद, जो मिशन कार्य जो खुदा ने सौंपिया है उसनू पूरा करन दे ले। इसके बाद वेखते हाँ मां मरियम दे जीवन दे विच, संत यूसुफ दे जीवन दे विच, प्रभु दे चेलियां दे जीवन दे विच, और खुद ही प्रभु ही जो अपने खुदा बाप दी मर्जी पूरी करन ले इस धरती पर आया और अपने आप तू सलीब पर कुर्बान किता, और अपने चेलियां नू कहा जेकर तुसी मेरी पैरवी करना चाहुंदे हो तो मरना पड़ेगा, क्रूस उठाना जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे विच रहता है, मेरे नाल मर जाता है, वो पुनर्जीवित होवेगा। और प्रभु तीजे दिन जी उठे, अस सारे नु प्रभु ने अपने पुनरुत्थान दे विच भागीदार बनाया है। यह है साडा जो मसीह विच जीवन, बपतिस्मा दा जीवन, सक्रमेंटा दा जीवन, और खास तौर पे
हर एक पुरोहित का जीवन चुनिया है प्रभु ने सानू उन्हें सा उन्हें दे नाल मरण दे लई और जी उठन दे लई। और आज प्रभु सानू कहता है कि ये अपने ही शक्ति दे नाल नहीं होवेगा, नहीं हो पावेगा, बिल्कुल ही नहीं। प्रभु दे विच रहना है। मैं हूं दाखवेल, तुसी हो टहनिया, मेरे विच रहा करो और मेरे तो जीवन प्राप्त करो। मैं तुहाड़े विच रहांगा, तुसी मेरे विच रहा करो, और जो मेरे विच रहता है कभी भी कमजोरी महसूस नहीं करेगा, निराशाजनक कभी भी नहीं होएगा। हमेशा प्रभु ने आज ये प्रतिज्ञा की है, तुम्हारा जीवन आनंद परिया जीवन होवेगा हमेशा। ये जो जो जड़ी खुशी है जो स्वर्ग तो आउंदी है, खुशी शक्ति बल आनंद शांति पवित्र आत्मा रूपाक दे वरदान। लेकिन एक ही शर्त है जो प्रभु ने आज सानू कहा है, एक दूजे नू प्यार करो जैसे मैंने तुहानू सिखाया है। यही मेरी एको आज्ञा है, एक दूजे नू प्यार करो। और तब होगा जब असी तबियदार रहेंदे हां, आज्ञाकारी रहेंदे हां प्रभु दे करीब, प्रभु दे प्रति। यह है जो प्रभु ने आज बताया है, और हर एक पुरोहित यही है जो आज सानू ये कहा गया है। प्रभु जो पुरोहित है, उस्ताद है और आजदी है, गडेरिया है, बला गडेरिया, बड़ा चरवाहा, ये जो प्रभु दे उना दे जीवन दे तीन पहलू हैं, इस दे विच हर एक पुरोहित खास तौर ते भागीदारी भागीदार है। और विशेषकर एक बला चरवाहा बनना, बला गडेरिया बनना, एक आजरी बनना और अपनी जून दी सेवा करना। और आज संत पौलुस ने कोलोसियां दे ना अपने पत्र दे विच सानू दसिया है कि की है जीवन कलीसिया दा, पूर्ण एकता दा, संपूर्ण एकता दा आधार है प्यार। उसने कहा सानू यही बताया है, हमेशा तरसवान होना, दयावान होना, एक दूजे नु स्वीकार करना, माफ करना, क्षमा देना। सूरज ये सूर्यास्त होने से पहले जेकर कुछ भी हो अपने दिल विच, माफ कर लेना, निकाल देना। और प्रभु ने कहा जेकर तुसी याद आवे ऑल्टर ते सामने कि कोई दूसरा है जिसके दिल में तेरे खिलाफ कुछ है, तो जो नजरिया जो नजराना लाया है वहीं के वहीं छोड़ दो, उसी छोड़ दो दोस्तों, और जाकर मेल मिलाप कराओ, तद आओ और अपना जो ये उपहार है उसको चढ़ाओ। यह मसीह विच जीवन प्यार दा, क्षमा दा, एकता दा, पुनर्मिलन दा। और हर एक पुरोहित ने इसनु समझना है, मुझे बुलाया गया है कि मैं इसी तरह अपने लोकां दी मैं सेवा करा, देख रेख करा, एक बला गडेरिया होके। क्या मेरे जीवन दे विच ये सारे सदगुण हैं? क्या मेरे जीवन दे विच रूपाक दी शक्ति है, रूपाक दा जो आलोक है मेरे जीवन में सचमुच, कि मैंने मेरे हृदय नू मेरे दिल नू प्रभु दे प्रति खोल रखा है, प्रभु दी कृपा और प्रभु दा अनुग्रह ग्रहण करन दे ले, या इसको बंद कर दिता है और कोई दूसरी शक्ति मैनू चला रही है, पवित्र आत्मा नहीं, रूपाक नहीं। तो अगर मेरे जीवन विच ये नहीं है तो कैसे मैं चलाऊंगा, कैसे कर सकांगा, बिल्कुल ही नहीं।
आज हर एक पुरोहित नूं ये वचन दिता जांदा है साडे सामने और साडे प्रा राजन ने हमेशा समझना है प्रभु ने साडे प्रा नूं कितना सुशोभित किया है सब सदगुणों से भरिया है और विशेषकर उनके मापिया ने उनको उनकी परवरिश करी है उनका आज तक इस मुकाम तक पहुंचाया है और पूरी कलीसिया ने पैरिश ने सेमिनरी फॉर्मेटर्स ने और जहां कहीं गए आज हमारी साढ़े प्रा दे साथ उन्होंने नाल रल के असी खुदा नूं धन्नवाद करते हाँ लेकिन साड़ी प्रार्थना होनी है हमारी प्रा दे लई सारे पुरोहितां दे लई कि वे हमेशा प्रभु का वचन अपने जीवन का आधार वो रखें और उसनों उसी पर उसी थे अपना जीवन उसारे तो मेरे बच्चे राजन हुण तू पुरोहिताई दे पवित्र अहुदे विच वध रहा है तैनू प्रभु यीशु मसीह मुख उस्ताद दे नां उत्ते सिक्ख्या देन दे फर्ज नूं निभाउण लई अपनी सारी ताकत खर्च करनी चाहीदी है खुदा दे वचन नूं अते उस दे संदेश नूं जड़ा तू असी नाल तू खुशी नाल कबूल किया है सारी दुनिया विच वंड खुदा दे हुक्मां उत्ते ध्यान लगा जो तू पढ़दा है उसनू मन जो तू मनदा है उसनू सिख अते जो तू सिखाउंदा है उस उत्ते अमल करा तेरी सिख्या नाल खुदा दी कौम दी पालना होवे तेरी जिंदगी दा नमूना मसीही ईमानदारा नू प्रभु यीशु मसीह दे पैरोकार होण ले खींच लवे ता जो अपने वचन अते कमा रही तो उस घर नू उसारे जो खुदा दी कलीसिया है इस तरह तू मसीह दी ताकत नाल पवित्र करन दे अपने उद्देश नू निभा तेरी खिदमत ईमानदारा दी रूहानी कुर्बानी नू मसीह दी कुर्बानी नाल जोड़ के मुकम्मल करे ये कुर्बानी जेड़ी सक्रमेंट निशाना विच तेरे हत्थी चढ़ाई जांदी है जो तू कर रहा है उसनू जान अते उसते पैदा दी पैरवी कर जड़ा तू अपनी सेवा रही पूर्ण कर रहा है प्रभु यीशु मसीह दी मौत अते उसते फिर जी उठन दी यादगारी रख दिया यानी पाकमास दी कुर्बानी चढ़ाउंदिया पूरी कोशिश कर कि तू पाप लई मर के यीशु मसीह दी नवी जिंदगी विच चले बपतिस्मा दे के तू आदमियां अते औरतां नू खुदा दी कौम विच शामिल करता है तौबा दे सक्रमेंट यानी इतराफ राही तुसी कलीसिया ते प्रभु यीशु मसीह दे नां ते गुनाह माफ करेगा पाक तेल दी मालिश नाल तू बीमारां नूं पापां तो मुक्त करेगा अते तसली देवेगा तू सेवा ते इबादत करदिया दिन भर खुदा दी वड़ियाई करेगा अते शुकराने चढ़ावेगा तू ना सिर्फ खुदा दी कौम ले सगों समूचे संसार ले प्रार्थना करेगा याद रख कि तुसी खुदा दे लोकां विचों चुनिया गया अते मुकरर किया गया है कि उना वजों खुदा संबंधी कम कर यीशु मसीह महापुरोहित दा कम कर दिया तू सच्ची खुशी अते सच्चे प्यार नाल अपने फर्ज निभाउन अते अपने निजी रीतां हितां तो वध मसीह दे हितां वल ध्यान दे अंत विच बड़ी होशियारी नाल प्रभु यीशु मसीह कलीसिया दे सिर अते चरवाहे दे कम्मां विच सोच समझ के हिस्सा लेंदिया बिशप साहिब नाल मिल के अते उसते ताबेदार बन के ईमानदारां नूं एक परिवार विच इकट्ठे करन ले अते रूपाक विच प्रभु यीशु मसीह राही खुदा बाप तक पहुँचन ले कोशिश कर हमेशा भले चरवाए यानी प्रभु यीशु मसीह दे नमूने नूं याद रख जिहड़ा दुनिया कोलों सेवा कराउन ले नहीं सगों सेवा करन ले अते गुआचे होयां नूं लभन
ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੇਦਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਮਾਨ ਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗਵਾਨ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਰਾਜਨ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ
रुतबे ले स्वीकार किया है अपनिया बरकता बरसावे आओ सारे गोडे ठेकिए प्रभु दया कर ए प्रभु दया कर ए मसीहा दया कर ए मसीहा दया कर ए प्रभु दया कर ए प्रभु दया कर मुकद्दस मरियम खुदा दी मां साडी लेई दुआ करे संद मिखाइल साडी लेई दुआ करे सारे पाक फरिश्तेयो साडी लेई दुआ करो संद यूसुफ साडी लेई दुआ करे संद योहन बपतिस्ता साडी लेई दुआ करे संद पतरस ते पौलू साडी लेई दुआ करो संद थोमा साडी लेई दुआ करे संद इंद्रयास साडी लेई दुआ करे संद योहन्ना साडी लेई दुआ करे संद थादेयूस साडी लेई दुआ करे संदनी मरियम मग्दलीनी साडी लेई दुआ करे संद स्टीफन साडी लेई दुआ करे संद लॉरेंस साडी लेई दुआ करे संद इग्नेशियस साडी लेई दुआ करे संतनी एग्नेस साडी लेई दुआ करे संद ग्रेगोरी साडी लेई दुआ करे संद ऑगस्टिन साडी लेई दुआ करे संद अथनेशियस साडी लेई दुआ करे संद बेसिल साडी लेई दुआ करे संद मार्टिन साडी लेई दुआ करे संद फ्रांसिस ते डोमिनिक साडी लेई दुआ करो संद फ्रांसिस जेवियर साडी लेई दुआ करे संद योहन वियानी साडी लेई दुआ करे संदनी तरीजा साडी लेई दुआ करे संद गोंजालो गार्सिया साडी लेई दुआ करे संतनी अल्फोंसा साडी लेई दुआ करे संतनी मदर तेरेसा साडी लेई दुआ करे संद
कुरिया को चावरा साडे लई दुआ कर संद देव सहायम साडे लई दुआ कर खुदा दे सारे संतो साडे लई दुआ करो हे प्रभु सानू बचा हे प्रभु सानू बचा सारी अंपतिया तो हे प्रभु सानू बचा सारे गुनाहा तो हे प्रभु सानू बचा हमेशा दी मौत तो प्रभु सानू बचा अपने देख तारी होन दे पेद राही हे प्रभु सानू बचा अपने रूह पाक नू भेजन दे राही हे प्रभु सानू बचा असा पापियां उत्ते रहम करी असी मिन्नत करी दी हां साडी दुआ सुन अपनी कलीसिया दी अगवाई ते रखिया कर असी मिन्नत करी दी हां साडी दुआ सुन साडे पोप साहिब नू धर्म दवा फादार बना असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन साडे बिशप साहिबाना नू परम दा वफादार बना असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन साडे धर्म अधिकारियानु धर्म दा वफादार बना असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन सारियां को मानो शांति ते एकता प्रदान कर असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन अपनी सेवा लई सानू शक्ति दे अते कायम रख असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन इस चुने होए दीकनो बरकत दे अते कायम रख असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन इस चुने होए नू अपनी पाक सेवा लई मखसूस कर असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन ये येसु जिंदा खुदा दे बेटे असी मिन्नत कर दे हां साडी दुआ सुन हे यीशु साडी दुआ सुन ले साडी दुआ सुन ले हे साडे प्रभु खुदा साडी बेनती नू सुन ले अते इस दास राजन नू रूपाक दी बरकत दे वरदाना नाल प्रोहिताई दे फजल अते शक्ति नाल भर दे
असी तेरे हजूर इस डीकन राजन नू मखसूसियत ले अर्पण करते हाँ। अपने अनंत प्यार नाल इस दी ही हिमायत कर, असी ये मंगते हाँ अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। पाक खिदमत दा साक्रमेंट दा वो खास घड़ी आ गया है। चलिया के करतब छे बाप छे है दे पढ़ते हाँ। जो सेवादारा ने चुनिया गया रसूला ने प्रार्थना करके उन्होंने सिर उत्ते हथ रख के उन्होंने सेवादार महसूस किया। कलीसिया के इस परंपरा के मुताबिक हुण अरसतकार योग बिशप साहब जी उम्मीदवार राजन संधु के सिर उत्ते हथ रख के इन्हों पुरोहित महसूस करेंगे। बिशप साहब जी तो बाद बिशप दीपक ते मोनसिन्योर डैनियल इना तो बाद जितने भी फादर लोग इतने मौजूद है सारे फादर लोग बारी बारी आन के पुरोहित के सिर उत्ते हाथ रख के इन्हों पुरोहिताई की जमात के स्वागत कर।
ਹੁਣ ਪਾਕ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸ ਦੁਆ ਆਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਦਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 70 ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਧ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਖਾਦਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਜਗੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਪਾ ਦੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿਕਾਈ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਜੋ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਐਨਜੀਲ ਦੇ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਸਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ, ਆਮੇਨ। ਇਸ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕ ਮਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਕਨ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ।
एक पुरोहित दा हाथ पाकमास से कुर्बानी चढ़ाउन दे ली ते ईमानदारां दे गुनाहां दी माफी बख्शन लई ते बरकत दिवाउन लई पवित्र कीता जांदा है। हुण अरसतकार योग बिशप साहब जी पाक करिश्मे नाल नवे बने पुरोहित दा हत्थां नूं मसाह करके पवित्र करनगे। खुदा बाप ने साडे प्रभु यीशु मसीह नूं रूह पाक दी शक्ति नाल मसाह कीता सी। वही प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सुरक्षित रखे ता जो तू ही मसीह दी उम्मत नूं पवित्र कर सके अते खुदा नूं पाक कुर्बानी चढ़ा सके। पाक मास की कुर्बानी चढ़ाना एक पुरोहित का सब तो पहला जिम्मेवारी है। हुण दाखरस ते रोटी नाल सजाया होया पाक प्याला दे ताली उम्मत दे चढ़ावे वजों बिशप साहब जी नवे बने पुरोहित नूं सौंपणगे। खुदा दी पवित्र उम्मत कोलों चढ़ावे कबूल कर जो तू खुदा नूं चढ़ाउंदे हन, जो तू करदा है उसनू जान, जो पेद तू मनाउंदा है उसकी पैरवी कर, अते सलीब दे पेद दे नमूने अनुसार अपनी जिंदगी नू टाल। हुण बिशप साहब जी शांति दा चुंबन दे के नवे बने पुरोहित नू पुरोहिताई दी जमा दे विच स्वागत करनगे। प्रभु की शांति तुहाडे नाल होवे। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਬਾਅਦ ਮੋਨਸੀਨਿਓਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਦਰ ਦੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੰਮਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚੁੰਬਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਗੀਤ ਗਾਏ। जैसे
धन दौलत मेरे पास नहीं, तेरे सिवा कोई आस नहीं। चढ़ाने आया हूँ, दिल अपना मैं लाया हूँ, तुझको चढ़ाने आया हूँ। प्रभु मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे लिए ना मैं लायक हूँ। प्रभु मैं दीन दास हूँ, चावर करने आया हूँ। जो दिया वो सब लाया हूँ, निशावर करने आया हूँ। प्रभु मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे लिए ना मैं लायक हूँ। प्रभु मैं दीन दास हूँ, जैसे प्यासा हूँ। जब मैं तुझसे दूर गया, करने आया हूँ। सुख दुख अपने लाया हूँ, समर्पण करने आया हूँ। प्रभु मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे लिए ना मैं लायक हूँ। प्रभु मैं दीन दास हूँ, तेरे ने जैसे
ਹੁਣ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਚੜਾਵੇ ਸਰਾਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ कर लो कबूल नज़राना
खुदाया स्वीकारी चढ़ावा तन बंधन सारा सारा परिपन जीवन सारा परिलोक भूल सिराना खुदाया स्वीकारी चढ़ावा मुबारक है तुम्हें प्रभु सारी सृष्टि दी खुदा क्योंकि जो तेरी मेहरबानी नाल ये रोटी सानू मिली है जो असीं तेनू चढ़ाउंदे हाँ ये जमीन की उपज और इंसानी महत्व फल है ये सारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी अंगूरी मौत दे पानी दे स्पीत मुबारक है तुए प्रभु सारी सृष्टि दे खुदा क्योंकि जो तेरी कृपा नाल ये अंगूरी मौत सानू मिली है जो असी तेनू छड़ाऊंगे हाँ ये अंगूरी वेल दा ती इंसानी मेहनत दा फल है ये सारे लिए रूहानी प्याला बन जाएगा ऐ प्रभु असी रूह की हलीमियत अते पछतावे परे दिल नाल तैनू कबूल होइए अते ऐ प्रभु खुदा साड़ी कुरबानी तेरिया नजरां विच प्रवान योग होवे भराओ तो भैनों प्रार्थना करो कि मेरी अति तुहाड़ी एक कुरबानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे अकाल खुदा साढ़े बाप तेरी मर्जी है कि तेरे पुरोहित पवित्र कुरबानी चढ़ाउन अते तेरी उम्मत ने ईमानदार सेवक बनन इस सच्ची कुर्बानी राही तू इनानों यह फसल बख्श कि इना दी सेवा सदा तेनू पसंद आवे अते तेरी कलीसिया ले नित फलदायक होवे असी ये मंगदे हाँ अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन
प्रभु तुहाडे नाल होवे तुहाडी रूह नाल भी होवे तुसी अपने ते प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां असी अपने प्रभु खुदा धन्यवाद करिए ये सही अति योग है हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अति अकाल खुदा ये सचमुच सही अति योग्य है मुक्ति पाउन दा राह है कि असी हर वेले ते हर था यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्यवाद करिए वो सच्चा अति अकाल पुरोहित है जिसने यह सदी भी कुर्बानी मुकरर की है सारी रिहायत ले उसने अपने आप नु कुर्बान किया अते उसने सानू सिखाया कि उसकी याद विच असी पेंट छड़ाइए जद असी उसका शरीर खाते हाँ जो उसने साढ़े लिए कुर्बान किया तो असी मजबूत किते जाते हाँ जद असी उसका लहू पीते हाँ जो उसने सारे लिए वहाइया तो असी उसके लहू नाल धोके शुद्ध किते जाते हाँ इसलिए फरिश्तिया ते महा फरिश्तिया अति सारे स्वर्गीय लश्कर नाल मिलके असी तेरी महिमा दे गीत गाते हुए ये ऐलान करते तू सचमुच पवित्र है अति सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे तेरे बेटे साढ़े प्रभु मसीह दे राही अति रूपाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा अति पाक करता है तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करता रहिंदा है ता जो चढ़ते सूरज तो लैके लहंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लई छड़ाई जावे इसलिए ऐ प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हाँ कि अपनी मेहर नाल वही रूपाक दे राही इना नजरानिया नू पवित्र कर जो असी तेरी पाक हजूरी विच लैके आए हाँ ता जो ये तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे बदन अते लहू बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इना पेदा नू मनाउंदे हाँ
जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली अते तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां नूं दिती यह कहंदे होए तुसी सारी हलो अते इस विचों पियो इस पिछे खाओ क्यों जो मेरा बदन है जड़ा तुहाड़े लई कुर्बान किया जावेगा। इसे तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती प्याला अपने छलिया नूं दिता यह कहंदे होए तुसी सारे यलो अते इस विचों पियो क्यों जो यह मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाड़े अते बहुतियां वास्ते गुनाह दी माफी लई वहाया जावेगा मेरी याद विच करिया करो। ईमान दा भेद इस लई ऐ प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख भोग उसके जलाली जी उठन अते स्वर्ग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदे हाँ अते उसके दूजी वारी आउण नूं उड़ीकदे होए तेरा धन्यवाद करदे हाँ ये जीवन दी अते पवित्र कुरबानी तेनूं चढ़ाउंदे हाँ। असी बेनती करदे हाँ कि तू अपनी कलीसिया दे चढ़ावे उत्ते नज़र कर अते इस कुर्बान होए लेले नूं पछाण जिस दी कुर्बानी तो राजी हो के तू साडा अपने नाल मेल कराया है बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उस दे रूपाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए। ओ सानू तेरे लाई एक सदीवी नजराना बनावे ता जो असी तेरे चुनिया होया नाल खास करके धन कुमारी मरियम खुदा दी माँ दे नाल उस कुआरी दे मुबारकवर संत यूसुफ दे नाल तेरे धन रसूला नाल तेजस्वी शहीदा दे नाल अरे तेरे सारे संतां नाल ओ इन्हां दे विरसे दे वारस बन जाइए इन्हां वालों तेरी हजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते आसी भरोसा रखते हाँ। हे प्रभु असी ये बेनती करते हाँ कि साडे मुड़ मिलाप की एक कुरबानी सब दुनिया की शांति अते मुक्ति लई असरदायक होवे तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नू अपने सेवक साडे संत पापा फ्रांसिस नू साडे बिशप अनिल अते उन्हां दे सहायक बिशप दीपक नूं कुल दुनिया दे बिशपां पुरोहितां अते सब लोकां नूं जिन्हां नूं तू अपना बना लिया है ईमान अते प्यार विच मजबूत बनाउण लई मेहरबानी कर कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नूं कबूल कर जिस नूं तू अपने सामने सद्दण दी मेहर कीती है। ए दयालु बाप संसार भर विच खिलड़े होए अपने सारे बच्चियां नूं अपने कोल इकट्ठा करन दी कृपा कर। साढ़े मोए हुए बहन भरवां अते होन सरिया नूं जिंडे तेनों खुश कर दिया ए संसार विचों चलाना कर गए हन मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर उन्हें ऐसी तेरी वड़ी शानी दी खुशी विच सदा निहल रहने दी
उम्मीद रखते हाँ साढ़े प्रभु मसीह दे राई जिस दे राई तू दुनिया नू हुर चंगी दात बख्शा दे उस दे साई आते उस दे नाल आते उस दे विच ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੋਂ ਸਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ले खुदा दे तू दुनिया दे गुना चुप से नशा है रोगा यरना साडे ते दया सदी विच जीवंत पुंजावे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਾਖਰਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਏ ਸੰਤੀ ਉਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ।
तेनू रजावेगा, नाले आप संभालेगा।
ਪਾਵੇਗਾ ਯੀਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲਈ ਆਵੋ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਓ ਦੁਆ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲਈ ਆਓ ਆਓ ਯੇਸੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਓ ਰੂਹ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਬਦਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ ਲਹੂ
मसीह दे मांचे अपने मैनू छुपा ले अपने तो मैनू वखना हुण दे वैरी शैतान तो मैनू बचा ले बहुत दे वेले मैनू बुला ले स्वर्ग च आने ले मैनू सरदार दे संता नाल मिलके अपने दिल वांगू हली बना दे नरम दिल यीशु मेरे दिल नो अपने दिल वांगू नरम बना दे। ऐ प्रभु जिहड़ी दात असी स्वीकार कीती है असी इस नूं खरे मन नाल समझिए अते अज दी ये सौगात साढ़े लई सदी भी शिफा बन जावे। असी प्रार्थना करिए। है प्रतापी अते प्यारे खुदा बाप असी इस पाक शराकत नाल रजाए हुए हाँ इस तो नवा जोश हासिल करके तेरे प्रोहित ते होर सेवक प्यार विच सदा मिले रहन अते तेरी सेवा योग ढंग नाल कर सकन असी मंगदे हाँ अपने प्रभु यीशु मसीह दे राहें। अपने सिर झुकाइए और खुदा दा ये आखिरी आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु तुहाडे नाल होवे चांदी दे राह उत्ते तुहानू चलावे खुदा अपनियां बरकतां माला माल करे आमीन। हर इस मुसीबत तो तुहानू बचावे खुदा अपने प्यार दे नाल तुहानू भर देवे कम करो नेकी विच रहो ईमान विच अमीर बनो खुदा पापत रूपाक दी बरकत तुहारे ते पुत्रे तुहारे नाल रहे his first blessing।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਨਾਹ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਲਤ ਸਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਬਰਕਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਕਨ ਸੰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਸੰਦੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
Father Rajan Sandhu Ji. Please mic te on. Te aaye hoye sare Bishop Sahibananda, Father Sahibananda, apne valon, apni family valon, dhanwad karange, unhan da swagat karange. Father Rajan Sandhu Ji, zordar taadiyan bajaiye. मेरी जान प्रभु दी उस्तत करदी है अते मेरी आत्मा मेरे मुक्ति दाते प्रभु तो खुश है। संत लूका दी अंजील उहदा एक बाप 46 तो 47 आयत तक। अति सत्कारयोग आर्च बिशप अनिल जोसफ थॉमस कुटो जी, अति सत्कारयोग बिशप दीपक वलेरियन तारो जी, आए हुए सारे फादर साहबान, सिस्टर साहबान, ब्रदर साहबान, मुनाद भरावान, मेरे माता पिता, रिश्तेदार अते प्रभु येसु मसीह विच इत्थे हाजर सारियां नूं प्यार भरी जय येसु मसीह दी। खुदा बाप दी मर्जी अते अगवाई नाल तन कुआरी मरियम दी पैरोकारी हेठ अते पुरोहितां दे सरप्रस्त संत जॉन मेरी व्यानी जिन्हां दी ईद दे दिहाड़े ते मेरा जन्म होया सी दे पुरोहिताई प्रति प्यार तो प्रेरित होंदे हुए अज मैं तुहाडे सामने खड़ा हाँ तां जो मैं खुदा वल्लों मिले पुरोहिताई मखसूसियत दे इस तोहफे दे लई प्रभु साडे खुदा दा धन्नवाद कर सकां जिसने मेरी अयोगता नूं जाणदिआं होया भी ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਐਮੇਰੀਟਸ ਵਿਨਸਨ ਮਾਈਕਲ ਕੌਂਸੇਸਾਓ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਜੇ ਟੀ ਕੁੱਟੋ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਕੁੱਟੋ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇ।
मैं धन्यवाद करना चाहता हाँ साढ़े ऑगजिलरी बिशप दीपक वलेरियन तावरो जी का जिन्होंने अपनी प्रार्थना दे राही अते अपनी मौजूदगी दे राही इस पुरोहिताई मखसूसियत की रसम विच अपना योगदान पाया है अते मेरे घर विच आ के प्रार्थना विच शामिल हो के साडे सारे परिवार नू अपनी रसूली बरकत दिती है। मैं बिशप जी नू तहे दिलों धन्यवाद आखदा हाँ। मैं अपने भरा ते भाभी नू बेनती करदा हाँ कि बिशप जी नू हार नाल सन्मान किया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हाँ बिशप अग्नेलो जी का जो जलंधर डायसिस दे बिशप हैं जिन्होंने समय समय से इस पुरोहिताई मखसूसियत की रसम की तैयारियों में उपलब्ध रह के अपना सहयोग दिता है। आओ असी बिशप जी के लिए ताड़ियां बजा के उन्हों का धन्यवाद करांगे। मैं अपना फर्ज समझदा हाँ कि मैं धन्यवाद करना चाहता हाँ मानयोग फादर विंसेंट डिसूजा जी का जो कि साड़ी डायसिस दे विकार जनरल हैं, मानयोग फादर अल्फोन शाह जी का जो कि साड़ी डायसिस दे चांसलर हैं, मानयोग फादर पीटर इमैनुअल जो कि साड़ी डायसिस विच मेजर सेमिनेरियंस दे रैक्टर हैं, जिन्ना ने मेरी मार्गदर्शन किया ते मेरी सहायता की। नाल ही नाल मैं सारे फादर साहिबाना का भी तय दिलो शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने अपनी मौजूदगी अते अपनियां प्रार्थनावां द्वारा मेरी मदद कीती है। मैं दिलों सारियां दा धन्नवाद करदा हाँ। आओ असी ताड़ियां नाल सारे फादर साहिबाना का धन्नवाद करिए। तो मैं बेनती करदा हाँ कि अगे आ के फादर जी नूं हार पा के सन्मानित किया जाए। फादर नाल ही नाल मैं धन्यवाद करना चाहता हाँ मोनसिनियोर दानियल जी का जो जलंधर डायसिस दे विकार जनरल हैं, इन्हां दी मौजूदगी नाल ये साडे विच आ के मेरे लिए प्रार्थना कीती है, इसलिए मैं फादर जी का धन्यवाद करता हाँ अते अपने घर विचों किसी मैंबर नूं बुला के उन्हां लई हार दे वजो सन्मानित करना चाहता हाँ। सारे ताली बजा के फादर जी का धन्यवाद करिए। कोई गल नहीं फाजी। मैं हुण धन्यवाद के कुछ शब्द उन्हां फादरां दे लई बोलना चाहांगा जिन्होंने अपनी पुरोहिताई जीवन की उदाहरण के नाल मैनू खुदा दे वल्लों मिली इस बुलाहट दे लई प्रेरिया अते इस विच अगे वधन लई मेरी मदद कीती। फादर जोस एडाकुनन, फादर डेविस, मैं धन्यवाद करदा हाँ फादर मानयोग फादर जॉर्ज वड़ैच अते जॉन तेजा जी का जिन्हां ने मैनू सैमिनरी जाण दे लई उत्साह कीता सी। आओ असी तालियां वजा के इन्हां फादरां दा धन्यवाद करांगे। अते मैं अपना फर्ज समझदा हाँ कि फादर एंथनी तुरती जी नूं धन्नवाद कहाँ मेरे वल्लों अते परिवार वल्लों जो जलंधर डायसिस दे चांसलर हन, उन्हां दे समय समय विच मैनूं गाइड करके अपना सहयोग दिता है, उन्हां नूं मैं दिलों धन्नवाद आखदा हाँ। मैं धन्नवादी हाँ सतिकार योग फादर लॉरेंस पी आर, जया प्रदीप, फादर केनी फिलोमेन, जीओ जेकब, फादर अजीत पैट्रिक जी का जिन्होंने मैनू विनय गुरुकुल माइनर सैमिनरी विच
मेरी बुलाहट दी इस यात्रा नू सही दिशा दिती। इस तो बाद मैं सतिकारयोग फादर थॉमस कोलंचरी अते फादर जॉर्ज अब्राहम दी अगवाई नाल प्रोपेड्यूटिक सैमिनरी विच अपनी बुलाहट नू बहुत चंगी तरह जानिया अते उस विच मजबूती हासिल कीती। मैं धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ नागपुर सैमिनरी दे डोमिनिकन फादर्स अते प्रोफेसर्स दा जिन्हां ने मेरे अंदर माँ मरियम दे लई प्यार अते श्रद्धा नू होर वधाया। मैं धन्नवादी हाँ अति सत्कारयोग फादर लॉरेंस पी आर, फादर जॉन ब्रिटो अते फादर संपत कुमार जी दा जिन्हां ने रीजेंसी दे दौरान खुदा दी मर्जी दे नाल मैनू अपनी बुलाहट विच अगे वधन लई सहायता कीती। मैं दिलों धन्नवादी हाँ मानयोग फादर पॉल रॉय जी दा जिन्हां ने मैनू डायकनेट मिनिस्ट्री दे दौरान मेरी अगवाई अते सहायता कीती। मैं सारे फादरां दे सामने गुजारिश करदा हाँ कि अगे आ जाण अते अपनी फैमिली नू गुजारिश करदा हाँ कि उन्हां नू हार पा के सन्मानित किया जावे। मैं दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ फादर जॉर्ज अब्राहम जी दा जिन्हां ने मेरी ऑर्डिनेशन रिट्रीट दे दौरान प्रभु दे विच रहन अते पक्का इरादा बनाउण विच मेरी मदद कीती। मैं हुण दिल दी गहराई तो धन्नवाद करदा हाँ सत्कारयोग फादर जोस पड़ियाठी जी दा जिन्हां दी तजर्बेकार रहनुमाई हेठ खुदा ने मैनू प्रोहिताई मखसूसियत दे लई तैयार होण दा फजल बख्शिया अते नाल ही नाल मैं धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ डीकन सन्नी मट्टू जी दा जिन्हां ने समें समें ते फादर जी दी मदद करके प्रोहिताई मखसूसियत दियां सारियां तैयारियां नूं मुकम्मल कीता। असी जोरदार फादर जोस पड़ियाठी दे लई तालियां वजावांगे अते हुण मैं फादर जी दे अगे बेनती करदा हाँ कि अगे आ जाण। डीकन सनी मट्टू जी दे भी अगे बेनती करदा हाँ कि अगे आ जाण। थैंक यू। अगे आ जाओ भाजी डीकन सनी जी अगे आ जाओ। मैं तह दिलों धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ फादर जॉर्ज जी पी जी अते उन्हां दी पूरी टीम दा जिन्हां ने अज दी इह पुरोहिताई मखसूसियत दे दौरान खुदा दी मौजूदगी नूं महसूस करन अते उस दे जुड़े रहन नाल साडी अगवाई कीती है। मैं फादर जॉर्ज जी पी जी नूं अपनी ऑन बिहाफ ऑफ द टीम अगे आउण लई बेनती करदा हाँ। मैं हुण धन्नवाद करदा हाँ सत्कारयोग फादर जोसफ कोकट अते फादर जॉन तेजा जी दा
जिन्हां दी बदौलत अज दी पुरोहिताई मखसूसियत दी रसम अते पवित्र यूक्रेस्ट दी कुरबानी सचुजे ढंग नाल मुकम्मल होई है। मैं फादर जी दे अगे, फादर जोसफ जी दे अगे, फादर जॉन तेजा जी दे अगे बेनती करदा हाँ कि अगे आ जान। फादर जोसफ कोकट जी, अच्छा मैं शुक्रगुजार हाँ मानयोग फादर मार्टिन जी दा अते प्रार्थना भवन की पूरी टीम दा जिन्होंने अज दी इस पुरोहिताई मखसूसियत दी रसम अते पवित्र यूक्रिस्ट दी कुरबानी नू अपने डिजिटल माध्यम दे राही बहुत सारे लोगों दे भाग लैण लई उपलब्ध करवाया है। मैं फादर मार्टिन जी नू अते उन्हां दी टीम नू अपने परिवार वालों धन्यवाद आखदा हाँ। फादर मार्टिन जी दे अगे बेनती करदा हाँ कि अगे आ जान। उन्हां दी टीम विचों अज दे इस शुभ अवसर नूं खास बनाउण लई मेरी पैरिश दे पैरिश प्रीस्ट मानयोग फादर जोस पड़ियाठी जी, डीकन सन्नी मट्टू जी, FCC जमात दियां सिस्टरां बाबू जी, धारीवाल पैरिश दे पैरिश काउंसिल मरियम सैना, यूथ लंगर कमेटी, कलीसिया दे छोटे तो लै के वड्डे मैंबर तक ने अपनी योग्यता आर्थिक मदद विच जिम्मेवारियां दे राही वक् वक् ढंगां नाल वध चढ़ के खुल दिली नाल अते दिन रात एक करके सेवा निभाई है, जिस दे लई मैं जिन्ना भी ज़्यादा धन्यवाद करा थोड़ा होवेगा, फिर भी मैं अपने दिल दियां गहराइयां तो तुहाडा सारियां दा धन्यवाद करदा हाँ, क्योंकि तुहाडे सारियां दी मेहनत नाल ही अज दा ये प्रोग्राम सफल होया है। मैं FCC जमात दियां सिस्टरां विचों मदर जी नूं अगे आउण दी बेनती करदा हाँ। हाँ जी, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हाँ मेरे माता पिता, भैन भरावां, रिश्तेदारां, सके संबंधियों अते मित्रां दा जिन्हां ने खुदा दी मर्जी दा अपने परिवार विच स्वागत किया अते समय समय ते हौसला अफजाई नाल मेरी अगे जाण लई मदद कीती है अते प्रेरणा दित्ती है। मैं तुहाडा सारिआं दा शुक्रगुजार हाँ। मैं धन्यवाद करना चाहुंदा हाँ फादर जेम्स चाको अते फादर सुबिन जी दा जिन्हां ने दिल्ली आर्च डायसिस दे कलीसिया दे लई रहन दे लई जगह उपलब्ध करा के उन्हां दे प्रति सेवा निभाई है। फादरां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली महाधर्म प्रांत के उपस्थित सभी पुरोहितों और अन्य पुरोहितगण और सिस्टरगण जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली महाधर्म प्रांत से आई हुई पूरी कलीसिया का, विशेष रूप से चर्च ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन पल्ली और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पल्ली से आए हुए सभी जन का। आप सबों ने यहाँ आकर मेरे लिए प्रार्थना की है और मेरे परिवारजनों के साथ मिलकर पुरोहिताई तोहफे के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है। आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद।
मैं धन्यवाद देना चाहता हाँ इतने हाजिर जलंधर डायसिस जम्मू डायसिस चंडीगढ़ डायसिस के सारे पुरोहितों ते सिस्टरां दा जिन्होंने अपनी उपस्थिति दे नाल मेरे अते मेरे परिवार के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है अते मेरे लिए विशेष प्रार्थना की है। असी फादरां दे लिए जोरदार ताली दे नाल धन्यवाद करांगे। मैं धन्यवाद करदा हाँ उन्हां सारयां दा जो अज वक्-वक् कारणां दे नाल इत्थे हाजिर नहीं हो पाए हन, पर तुसी अपनिया प्रार्थनावां दे नाल मैनू खुदा दी हजूरी विच भेंट चढ़ाया ता जो ओ मैनू एक पुरोहित वजो मखसूस कर सके। तुहाडे इस प्यार दे लई मैं तुहाडा सारयां दा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद आखदा हाँ। सारयां ताली बजा के सारयां दा धन्नवाद करूँ। मैं धन्नवाद करदा हाँ कॉलेजो उर्बानो रोम दे सारे फादरां दा अते उर्बनियाना यूनिवर्सिटी रोम दे सारे प्रोफेसरां दा जिन्हां ने मेरी इस पुरोहिताई दी यात्रा दौरान एक अहम भूमिका निभाई अते खुदा दे प्यार विच अते पुरोहिताई दे प्यार विच अगे वधन लई मेरी मदद कीती है। मैं इन्हां सारयां फादरां दा वी दिलों धन्नवादी हाँ। मैं हुण इटली तो साडे नाल जुड़े हुए ऑनलाइन कलीसिया नूं धन्नवाद देना चाहांगा इटैलियन विच। वोरई रिंग रिस्यारे तुती क्वेली किसोनो अजुंती को नोई अत्रावेरसो ऑनलाइन वोरई रिंग रिस्यारे दला पार्ते मिया दला फमिलिया दला दियोचेसी पर रिंग रिस्यार वी पर प्रेगारे पर मे ए पर स्तारे कौन में कौन ला प्रेगेरा ए कौन ला मेसा ग्रासिए ग्रासिए मिले। I would like to thank you all, those who have joined us online, praying and thanking the Lord with us for this precious gift of priesthood. I, on behalf of my family members, are grateful to you for your love and support. Thank you so much. In a very special way, I would like to remember and thank all the benefactors who have sacrificed in order to help me to make this program a successful one. With humble heart, I assure you all my prayers, and I would like to thank you on my behalf and on my behalf of my family. Thank you so much. God bless you. उन्हें बेनती करांगा मैं फादर पीटर इमानुअल जी दे अगे और बिशप जी दे अगे बिशप अनिल कुटो जी दे अगे कि नवे बने फादर जी नूं उन्हां दा प्रभुताई अभिषेक ते प्रमाण पत्र उन्हां दी समर्पित किया जाए। फादर जोस पटियाटी जी भी नाल होणगे उन्हां दे। बिशप अनिल कुटो जी नवे बने फादर जी नूं ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट ओके और पोप साहब की स्पैशल बरकत दे नाल एक फोटो उन्हां नूं पेंट की जा रही है। जोरदार ताड़ियां बजाइए। बिशप जी उन्हां फादर नवे बने फादर जी नूं पेंट कर रहे हैं। जोरदार ताड़ियां ताड़ियां बजदी रहनियां चाहीदियां तुहाडियां। इस बाद मैं अपने पैरिश प्रेस्ट और तारीवाल दे डीनरी दे डीन फादर जोस पटियाटी जी दे अगे बेनती करांगा कि आए हुए मेहमानों का वेलकम करन। अति सत्कार योग आर्च बिशप अनिल कुटो जी दिल्ली आर्च डायसिस दे आर्च बिशप, सत्कार योग बिशप दीपक
Monsignor Vincent and Daniel, Sadhkaru Father Sahiban, Sister Sahiban, Munar Pravo, Perno Pravo to Bachu, Tohano Sariano, Jai Yeshu Masihi. Mera dil khushi naal bharya hoya hai. Tariwal parish de liye bahut hi khushi da dihaada hai. Aj Tariwal Sandri Tereja Girija Karde Navapind Kalesia Dek Putt is parish da Seva Purohit Vajo ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਦਰ ਇਮਾਨੁਅਲ ਜੀ ਜੋ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੰਬਾਦ ਫਾਦਰ ਸਾਮੂਅਲ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਇਸ ਪਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪਾਰੀ ਫ੍ਰੀਸ਼ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸਿਸਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੋਨਾਰ ਪ੍ਰਾਵਾ ਪਾਰਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਅਨਿਲ ਗੁੱਟੋ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਵਿਗਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਵਿਗਰ ਜਨਰਲ ਦਾਨੀਅਲ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਵਿੰਗਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਗਰ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਇਸਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਰਚ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਗੁੱਟੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਨੂੰ
यही कहना चाहूँगा कि सानू बहुत ही खुशी हो रही है आज डायसिस महाधर्म प्रांत दे विच कि सानू यहाँ पंजाब दा शायद ये इतों पहला पुरोहित मिल रहा है। पंजाब तो है लेकिन यह जो खास पंजाब है इस तो और इस पैरिश तो जो है धारीवाल जितों बहुत ही यहाँ से बुलावे कलीसिया नु मिले सन जैसे कि जैसे है फादर्स और धार्मिक संस्थावान दे ले उसी तरह सिस्टर्स तो कितने सारे यहाँ धारीवाल जो दो पैरिश है संत तेरेजीना नु समर्पित इतो उन संत तेरेजा की सिफारिश तो सानू ये बुलावे मिले हैं। उसी तरह है हुन फादर राजन साड़ी उना दे ले प्रार्थना है कि उना दा जो पुरिताई जीवन है साड़े महाधर्म प्रांत दे विच बहुत ही ये पवित्र आत्मा की कृपा दे नाल परिया हो जावे और बहुत ही कम है बहुत ही वहाँ उत्ते ये प्रभु यीशु मसीह दे सुसमाचार अंजील दी खुशखबरी लोगों नू देन दा बहुत ही मिशनरी कम है। पंजाब दे विच तो बहुत ही लोगों तक पहुँच गया है लेकिन साढ़े डायसिस दे विच इलाके हैं जहाँ अज तक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह कौन है ये नहीं सुनिया है, अंजील क्या है ये नहीं सुनिया है, क्या है जो प्रभु ने सानू जीत लिया है क्रूस ते सलीब तो ये सानू ये वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तारण क्या है जो मुक्ति की है ये नहीं पहुँचा है। तो इसलिए सानू ये प्रभु ते साधन या और प्रभु ते हथ चाहिए ने जिस ते द्वारा प्रभु यीशु मसीह दा सुसमाचार बहुत सारे लोगों तक पहुँचा है। तो हमारे साडे फादर जी नू ये बधाई देंदे होया उसी तरह उनादे परिवार नू माँ बाप नू और सारिया नू और विशेषकर खास तौर पे साडे इस पैरिश नू बधाई देंदे होया मैं यही नहीं यही कहना चाहूँगा कि साडा नवा मखसूसियत नवा ये पुरोहित कहाँ प्रेषित किया गया है वहीं पे जहाँ डायकनेट मिनिस्ट्री उन्हें हुई है यह है कनाई पैरिश गुड़गावा जिता जिथे वो हुण तक रह चुके हैं एज ए डीकन डीकन बतौर रह चुके हैं हुण पुरोहिताई जो अपना मिनिस्ट्री है वही निभावांगे और साथ ही साथ नाले साहब दे साडे आर्च बिशप अभी बुजुर्ग हो गए हैं आर्च बिशप विंसेंट कोसिसाओ फादर आर्च बिशप विंसेंट भी मदद करेंगे और सेक्रेटरी बनकर आर्च बिशप विंसेंट दे तो ये दोनों उनका जो असाइनमेंट्स है और भी बहुत ही होगा आगे लेकिन होड़ यही है। तो मैं सड़े फादर राजन नू बधाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सबको और इस पैरिश नू पैरिश प्रीस्ट और सारे यहाँ दे लोगों नू बहुत धन्यवाद थैंक यू। हुणे केक कटिंग दी रस्म होएगी नवे बड़े फादर दोनों बिशप से बाहर नाल मॉनसिंजोर सारे फादर आगे आ जाइए फादर जी मम्मी पापा भी नाल आ जाओ आप हम सब को छोड़ दो बिशप ने सबकी तरफ से बोल दिया ओके बधाई देते हम ओ
अभिषिक्त हो। आज से तुम दूसरे कृष्ण हो, तुम अभिषिक्त हो, आज से तुम दूसरे कृष्ण हो। प्रभु की पावर पूरे पाकर सच के राह पे चलते रहो। मुबारकबाद देते हम, बिशप दीपक टोरो जी दे अगे क्यों भी अगे आओ नवे बने फादर जी नू वधाई दे दो शब्द बोलन। बिशप दीपक जी उन्होंने बाद फादर इमानुएल पीटर इमानुएल जी। सबको जय यीशु। मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूँगा। सबसे पहले मैं फादर राजन को मुबारकबाद देता हूँ, प्रभु ने उन्हें चुना है और साथ साथ उनके परिवार को भी। आप लोगों ने इनको त्याग दिया है, कलीसिया को दिया है, ईश्वर आपका परिवार को भरपूर आशीष दे और सारे गांव को भी। किसी न किसी तरह आप लोग सबों ने फादर राजन को फादर बनने में सहयोग दिया है, आप सबों को भी धन्यवाद। और जैसे आज आप लोग देख रहे हैं फादर राजन यहाँ पुरोहित बन के बने हैं, यहाँ भी बहुत सारे जवान लड़के लड़कियाँ होंगे जिनको ईश्वर की बुलाहट शायद मिल रही होगी। जरूर ईश्वर के हाँ में हाँ मिलाइए, दिल्ली डायसिस में आ जाइए। थैंक यू। फादर पीटर इमानुएल जी दे बेनती करांगा कि वो भी अगे हों, दो शब्द बोलन। हमारे दोनों बिशप ने सब कुछ बोल दिया है। आज के दिन मैं हमारे फादर राजन को शुभकामनाएं देता हूँ और उनके माता पिता परिवार के परिजन और फादर जोस पटियाती और पूरी पल्ली को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के दिन पर। और जैसे आज के पहले पार्ट में हमने सुना किस प्रकार एली ने ईश्वर की पुकार सुनी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने परिवारों में मसीह बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आपके बच्चे ईश्वर की बुलाहट को सुने और कलीसिया के लिए आगे आ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर डायसिस से नुमाइंदे वजो मैं तारीवाल दे पैरिश विचों ही बने फादर विल्सन पीटर जी नू बेनती करांगा कि अगे आउन, डायसिस दे वलों नवे बने फादर जी नू वधाई देन। अति सत्कार योग आर्च बिशप अनिल जोसफ थॉमस कुटो जी, सत्कार योग ऑक्सलरी बिशप दीपक वलेरियन जी, विकर जनरल, सत्कारयोग फादर विंसेंट जी, सत्कारयोग फादर जोसफ प्रियाटी साढ़े पैरिस पीस जी, सत्कारयोग सिस्टर साहिबान मनाद प्राओ प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्राओ ते पैणो, अदे खास करके अज दे नवे बने फादर राजन अदे उन्हां दे सारे परिवार दे मैंबरो जी। असी अपनी डायसिस दे वलों बिशप अग्नैलो जी, सारे फादर साहिबान सिस्टर साहिबान तमाम कलीसिया दे वलों आर्च बिशप अनिल जोसफ थॉमस कुटो जी नू अपनियां दिल दियां गहराइयां तो बहुत बहुत वधाई दिंदे हां। खास करके अज तारीवाल पैरिश दे वास्ते भी बहुत खुशियां भरिया दिहाड़ा है। अज तारीवाल पैरिश दे विचों छेवा फादर जड़ा है मखसूस किया गया है साढ़े अति सत्कारयोग आर्च बिशप जी दे द्वारा। ये छेवा प्रीस्ट खुदा ने परमेश्वर ने तारीवाल नू हमेशा ही अपनी बरकत दे नाल माला माल किया है। अदे इस तारीवाल दे विचों 39 सिस्टर्स 39 सिस्टर हन जड़िया के वक वक जमातों दे विच प्रभु यीशु दी दा अंचीलीकरण कर रही हैं, प्रभु यीशु दे वचन नू फैला रही हैं। वो पंजाब दे विच हन, दूसरे भारत दे स्टेटां दे विच हन, बाहरले देशां दे विच भी
वो खुदा दे वचन नू फैला रही हैं। तारीवाल पैरिश नू खुदा ने प्रभु यीशु दे राही खुदा बाप ने बहुत सारिया बरकतां दे नाल माला माल कीता है। इस करके मैं इस खुशी दे मौके ते रेवरेंड फादर राजन उन्हां दे परिवार उन्हां दे रिश्तेदार नू दिल दी गहराइयां तो वधाई दिंदा हाँ। अते नाल ही उन्हां दे अगे बेनती करना चाहुंदा हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहुंदा हाँ, जिस तरह के तुसी उहदी सैमनरी मैनल सैमनरी तो लैके थियोलॉजी तक फादर बनन तक उसके वास्ते प्रार्थनावां कीतियां दुआवां कीतियां, वो तुहाडियां प्रार्थनावां दा फल ही तुहाडे सामने है। तुहाडियां दुआवां तुहाडियां प्रार्थनावां प्रभु यीशु दे राही खुदा ने स्वीकार कीतियां अते ओह अज तुहाडे सारिआं दे सामने एक परोत बन के प्रभु यीशु की सेवा दे विच लगन लई तैयार हो चुके हन। जिस तरह तुसी उसनू उन्हां दी फॉर्मेशन दे समय उन्हां दे वास्ते दुआ कीती, जदों पुरोहित बन गए हन प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी, तुहाडी प्रार्थना दी उन्हां नू सखत जरूरत है, तुहाडियां दुआवां दी सखत जरूरत है, तां कि प्रभु यीशु दा वचन प्रभु यीशु दा अंचीली करन जिथे भी वह जान बड़े ही उत्साह बड़ी भक्ति दे नाल बड़ी शक्ति दे नाल कर सकन। लगातार उन्हां दे वास्ते दुआ करनी है। इस करके एक बारी फिर दोबारा आर्च बिशप साहब जी उन्हां दी पूरी आर्च डायसीस नू ते खास करके परिवार राजन ते उहदे पूरे परिवार नू अपनियां दिल दीआं गहराइयां तो अपनी पूरी डायसीस वल्लों आप फादर प्रयादी अते पूरी पैरिश दे वल्लों दिल दीआं गहराइयां तो एक बारी फिर लख लख वधाई। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लैस यू। थैंक यू फादर जी। हुण मैं बेनती करांगा सिस्टर दीपिका होली फैमिली जमात तो जो दिल्ली प्रोविंश दे विच काम कर रहे ने अगे आओ फादर जी नूं वधाई देन। सिस्टर दीपिका जी जोरदार ताड़ी इन्हां दे लई। मैं धन्नवाद भरे दिल नाल खुदा दी अलतार दे सामने अते साडे अति सतिकार जोर बिशप साहिबान पुरोहित धर्म पैना मुनाद भरा पूरे संधु फैमिली परिवार इत्थे हाजिर समूह संगत की मजदूरी विच नए बने पुरोहित फादर राजन संधु नू उन्हां दी तपस्या अते सख्त मेहनत दे फल यानी कि फादर बनने की लख लख वधाई दिंदी हाँ। अज साड़ी पूरी कलीसिया दे लई बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि अज प्रभु ने साडे लई पुरोहित नू चुन के वचन कहिंदा है फसल तो बहुत है पर वाडे बहुत घट हन कलीसिया की सेवा लई नियुक्त किया है। इस साडे एक इस वाडे नू आओ असी सारे तालियां वजा कर इन्हां दा प्रभु दा धन्नवाद करिए। एक परिवार दे मैंबर होने दे नाते मैं ये फर्ज मेरा फर्ज बनता है कि मैं फादर राजन बारे दो शब्द कहना चाहती हाँ। सब तो पहला मैं फादर जी दे माता पिता दा धन्नवाद करना चाहती हाँ जिन्होंने अपने दिल दे टुकड़े नू खुदा दी सेवा लई अर्पित किया है। माता पिता दे प्रार्थना में जीवन दे लई फादर जी नू मसीह ईमान विच मजबूत बनाया अते फादर जी दिल विच खुदा दे प्रति प्यार दी भावना नू जगाया। इस दे सदके फादर जी ने खुदावन दी बुलाहट नू स्वीकार कीता। फादर जी ट्विन्स हन अते सब तो पहले हन। फादर जी दा प्यार दूसरे प्रति बहुत है
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯੇਸ਼ੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਪੌਲ ਰੋਏ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਫਾਦਰ ਪੌਲ ਰੋਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਡੀਕਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਫਾਦਰ ਪੌਲ ਰੋਏ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਬਿਸ਼ਪਗਣ, ਫਾਦਰਗਣ, ਸਿਸਟਰਗਣ, ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ, ਉਨਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਯੇਸ਼ੂ। ਔਰ ਆਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਹਮਾਰੇ ਪੱਲੀ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਜੀਤ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਲਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਪੱਲੀ ਮੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਦੀ। ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲੀ ਸੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਡੀਕਨ ਰਾਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਕੋ ਹਮ ਬਧਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ। ਔਰ ਆਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੋ ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਪੱਲੀ ਮੇ ਸਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੋ ਐਮੇਰਿਟਸ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਪ ਵਿਨਸੈਂਟ ਜੀ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾ ਪਦ ਵੀ ਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਯੇਸ਼ੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਫਾਦਰ ਪੌਲ ਰੋਏ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ, ਫਾਦਰ ਰਾਜਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਸਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ
साढ़े सत्कारयोग आर्च बिशप जी ने। सिर्फ मैं दो मिनट लेने आ। सब तो पहला इत्थे आउण दे उत्ते साढ़े बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली डायसिस के आर्च बिशप बिशप अनिल जी, उन्होंने असिस्टेंट बिशप बिशप दीपक जी और उन्होंने नाल विकर जरनल साहब और इस इलाके के जरनैल बहुत ही सत्कारयोग फादर जोस पडियाटी जी और साढ़े अज नवे बने मखसूसियत होए फादर राजन संधु। मैं अज उन्होंने लख लख वधाई तारीवाल की कलीसिया वालों दे रहा हाँ। जशाया नबी का ग्रंथ एक बाप चार ते पांच आयत दे विच लिखा, प्रभु ने तेनों कहा तेरी मां दे कुख दे कलण विचों पहला ही मैं तेनों चुन लिया है अते तेरे जन्म लैण तो पहला ही तेनों कौमां दे लई नबी नियुक्त कर दिता है। और इस तरह जो संत मत्ती दी अंजील पढ़ते हाँ उस दे विच लिखा है कि जाओ सब कौमां नूं चेले बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा के नाम के उत्ते बपतिस्मा देवो, उन्होंने वो सारियां गल्लां दी पालना करनी सिखाओ जिन्हों का मैं तुहानू हुक्म दिता है, ते वेखो मैं युगों के अंत तक तुहाडे नाल हाँ। फिर इस तरीके दे नाल मत्ती दास दे विच जाओ तो प्रचार करो स्वर्ग का राज नेड़े आ रहा है, बीमारां नूं चंगा करो, मुरदियां नूं जिंदा करना, कोड़ियां नूं चंग शुद्ध करना, तो भूतां नूं कढ़ना, ये सारे वरदान जिहड़े ने प्रभु ने एक पुरोहित नूं दित्ते ने। और पूरे देश दे विच जा के लोकां नूं प्रभु दे चेले बनाउणा, उन्हां नूं बपतिस्मा देना, ये वरदान जिहड़ा वा अज साडे भरा राजन नूं प्रभु ने दिता है। और इलाके दे विच बहुत खुशी की लहर आ, ते अज दे इस खुशी दे मौके दे उत्ते वीना अते राजकुमार जो फादर राजन दे मां बाप हन और साजन ते सावन ते उन्हां दीआं भरजाइयां, मैं इन्हां सारियां नूं कैथलिक कलीसिया वालों जोरदार मुबारक दिंदा हाँ। और प्रभु यीशु कहिंदे ने कि पहला तुसी प्रभु यीशु की खोज करो, स्वर्ग राज की खोज करो, तो दुनिया की हरेक चीज़ जिहड़ी आ वो तुहानूं अपने आप मिलेगी। जशाया नबी 61 उहदी 6 आयत दे विच लिखा है, तुसी प्रभु दे पुरोहित करके जाने जाओगे अते लोग तुहानूं परमेश्वर दा दास करके सद्दणगे, तुसी कौमां दी संपत्ति उत्ते अधिकार करोगे अते मान करोगे कि ये सब कुछ तुहाडा है। अज राजन नूं सत्कारयोग बिशप अनिल जी ने मखसूस करके ये जिहड़ी सारी अधिकार ने वह दे दिते ने। और राजन साडा बेटा भी आ और संतरी त्रीजा पैरिश दे विच्चों जिवें फादर विल्सन पीटर दस के गए ने कि बहुत सारे सिस्टर साहबान फादर साहबान पूरे हिंदुस्तान दे विच नहीं बल्कि वर्ल्ड दे विच कम कर रहे ने। और अज सानू फिर एक खुशी का मौका मिलिया और इहदे नूं भी वड्डा खुशी का मौका है कि एक हफ्ते दे विच सत्कारयोग फादर जोस प्रयाटी की अगवाई दे विच साडी इस पैरिश दे विच तीन बिशप साहबान और एक आर्च बिशप जी इस गिरजाघर दे विच आए ने। और असी सभना दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदे हां। एक बार फिर
फादर राजन जी नू उना दी माँ साड़ी बच्ची वीना राजकुमार साजन सावन ते उदी परजाइयां नू मैं पूरी कैथलिक कलीसिया वालों ते इस इलाके दे जरनैल फादर जोस प्रयाटी जी वालों लख लख मुबारकबाद देना हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रभु यीशु मसीह जी दी। हुण प्रधान जी नवे बड़े फादर जी नू सन्मानित करनगे, आर्च बिशप अनिल कुटो जी नू सन्मानित करनगे, बिशप दीपक जी नू सन्मानित करनगे और नाल पैरिश प्रेस्ट फादर जोस जी नू भी सन्मानित करनगे। जोरदार ताड़ियां इन्हां दे लई। मैं भैन जी राखल दे अगे बेनती करांगा भी अगे आ जाण, दौड़ के आ जाओ। मैडम नू भी ला लो नाल। भैन भरा फादर राजन जी नू सन्मानित करन दे लई अपने नाल जो कोई पेंट लैके आए ने, हार लैके आए ने, हुण समा है उन्हां नू सन्मानित करन दा। तुसी सन्मानित कर सकते हो, इस वक्त वारी वारी आके तुसी सन्मानित कर सकते हो। बाबू शेखर जी, बाबू पिंडडवा तो, बाबू विकास जी, ओके, हाँ जी, मैडम आशा जी, अंकल शिमयोन जी, शिमयोन संधु जी, बाबू डैनियल जी, भाई अशोक मसीह सरपंच जी, बख बख पिंडा तो मेहरबानी करके फोटो भी करवानी है। जे किसी ने फोटो करवानी है तो वारी वारी आओ। जको मसी नवा पिंड तो आराम दे नाल आइए, ज्यादा रश ना करो, रश ना करो, वारी वारी आके तुसी फादर जी नू सन्मानित कर सकते हो। बाकी धारीवाल कलीसिया दे अगे बेनती है कि वो फादर जी एतवार 8 तरीक नू वो पहली पातमा चढ़ा रहे हैं, असी उन्हां नू एतवार दे दिन फिर सन्मानित करांगे पैरिश दे वल्लों, पैरिश के परिवार वालों। सो बेनती है जोड़े भैन भरा पैरिश वालों हार लैके आए हैं जा जोड़े हूँ सन्मानित करना चाहते ने कर सकते हैं। एतवार को भी उन्होंने पहली पाक मास के दौरान उन्होंने सन्मानित तुसी कर सकते हो। जोड़े भैन भरा फोटो करवाना चाहते ने कले कले फोटो भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी चल गए जी। हाँ जी तरसेम सौ का जी ले लो, ले लो, ले लो, हाँ लो, जिन्नी मर्जी लो। जय शु बिशप जी।